नमस्कार दोस्तों, एग्जाम जो बुलेट चैनल पर आप सभी का स्वागत है। सबसे पहले आपके लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी लेके आए हैं जी। कौन सी अपॉर्चुनिटी है जी? ECIL की तरफ से बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। कौन कौन कैंडिडेट एलिजिबल है, कौन कौन अप्लाई कर सकता है, प्रॉपर वे में इंफॉर्मेशन शेयर करेंगे। कोई भी कैंडिडेट वीडियो स्किप ना करें, क्योंकि वीडियो स्किप करते आपसे इन्फॉर्मेशन मिस होने वाली है। ठीक है जी, कौन सी अपॉर्चुनिटी है जी आपके साथ डिस्कस करने जा रहे हैं इसमें जी। पहले देख सकते हो ट्रेडमैन बी की पोस्टें 11 नंबर एडवर्टाइज है, LVD की पोस्टें हैं 10 नंबर एडवर्टाइज है, और LDC की पोस्टें 9 नंबर एडवर्टाइज है। पहले आप बात कर लेते हैं सबसे कम पोस्ट वाली, जो कि एडवर्टाइज सबसे पहले वाली है, LDC की पोस्ट यानी कि लोअर डिवीजन क्लर्क की पोस्ट। इसमें बात करें तो डिटेल्ड एडवर्टाइजमेंट में जैसे ही आप जाओगे तो यहाँ पे आपको पूरे का पूरा नोटिफिकेशन देखने को मिल जाएगा। ठीक है जी, इसमें एडवर्टाइज नंबर है जी 9। ये जो आप LDC की बात करें, एडवर्टाइज नंबर 9 है, और सभी में नंबर आपको प्रॉपर मोबाइल नंबर सेम दे दिया गया है। अगर आप कोई कंसर्न करना चाहते हो, कोई इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हो, तो आप इनसे कंसर्न कर सकते हो इन नंबर्स पर, वर्किंग डेज में, वर्किंग आवर में, यानी कि 9 से 4 बजे तक। ठीक है जी, और लोअर डिवीजन क्लर्क की पोस्ट है। इसमें एज 28 साल, मैक्सिमम एज 28 साल मांगी हुई है, और एज की बात करते हैं तो ग्रेजुएशन मांगी हुई है जी, और ग्रेजुएशन 50% से मांगी हुई है, और टाइपिंग स्पीड 40 वर्ड पर मिनट आपकी मांगी हुई है। कितनी जी? 40 वर्ड पर मिनट, और आपके पास सर्टिफिकेट भी होना चाहिए। ठीक है जी, और इसमें अगर आप कॉन्ट्रैक्ट लेबर हो तो आपके पास 40 साल मैक्सिमम एज आपकी चल जाएगी, और पे स्केल इसमें जो रहेगा वो आपका 20,480 पे स्केल आपका एनुअली रहने वाला है, और हर एक साल आपका 3% इंक्रीमेंट होगा ही होगा, यानी कि 6,000 के नियर अबाउट 3% बनता है, और इतना आपका इंक्रीमेंट होगा। ठीक है, और लोअर डिवीजन क्लर्क के पोस्ट में बात करें तो LDC की टोटल में 11 पोस्ट हैं जी। 5 जनरल की हैं, 1 इकोनॉमिक वीकर सेशन की है, 4 OBC की, और 1 SC कास्ट की आपकी एक पोस्ट है। ठीक है जी, इसमें रिलैक्सेशन एज पर द गवर्नमेंट रूल्स रहने वाला है। ठीक है, और मोड आपका 50-50% होगा, रिटन टेस्ट और स्किल टेस्ट, इसमें कोई भी इंटरव्यू नहीं होगा। ठीक है जी, रिटन टेस्ट होगा, स्किल टेस्ट होगा, ओवरऑल आपको 60% क्वालिफाइंग नेचर चाहिए, 1/4 कैंडिडेट बुलाए जाएंगे, यानी कि एक पोस्ट के लिए 4 कैंडिडेट बुलाए जाएंगे। ठीक है जी, और आपको उसके बाद नेक्स्ट बार करें तो रिटर्न एग्जाम के लिए आपको यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग भी मिलेगी, और आपका जो एग्जाम है वो बोथ लैंग्वेज में यानी कि इंग्लिश हिंदी दोनों में देखने को मिलने वाला है। ठीक है जी, बाई लैंग्वेज में आपका एग्जाम रहने वाला है, ऑनलाइन एग्जाम होगा जी। अगर आप कहीं सेंट्रल में, PSU में, या स्टेट गवर्नमेंट में कहीं पर वर्किंग कर रहे हो तो आपको NOC भी देना होगा, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट। ठीक है जी, वो आपको डिडक्ट करवा के देना ही होगा। ये आपका 4 जून से फॉर्म फिलअप होने स्टार्ट हो चुके हैं जी, और 25 जून इसकी लास्ट डेट है। इसमें किसी भी कैंडिडेट की कोई भी फीस नहीं है। नेक्स्ट पोस्ट की बात कर लेते हैं, यह जी LDC की पोस्ट है, जो कि मैं आपको बता चुका हूँ प्रॉपर वे में, एडवर्टाइज नंबर 9 है, LDC की पोस्ट है। इसमें ज़्यादा जानकारी के लिए आपको इसमें PDF और भी प्रोवाइड करवा दी गई है, रिजर्वेशन रिलैक्सेशन का, मोड सिलेक्शन का, इम्पोर्टेंट डेट्स का, जनरल कंडीशंस, पेमेंट SBI कलेक्टिंग का, सारे का सारा प्रोसेस इन्होंने प्रोवाइड करवा दिया है। इनसे भी आप कंसर्न चेकआउट कर सकते हो। या अप्लाई कैसे करना है तो यहाँ पर आपने सिंपली अप्लाई करना है, तो अप्लाई का मोड भी आपको अवेलेबल है, ये न्यू पोर्टल में ओपन हो जाएगा। ये सारे के सारे सेम है जी, आपका बस अपनी पोजीशन चेक करनी है, और आपने किस पोस्ट के लिए अप्लाई करना है वो पोस्ट चेक करनी है, उस हिसाब से आपने अप्लाई कर देना है। यहाँ पर आपको रजिस्ट्रेशन करना है जी। ठीक है जी, यहाँ पर कौन सी एडवर्टाइज के लिए अप्लाई करोगे वो एडवर्टाइज सेलेक्ट कीजिए, यहाँ पर लोअर डिवीजन क्लर्क उसी पोस्ट का निकल जाएगा, तो फॉर्म आपके सामने ओपन हो जाएगा। यानी कि तीनों का फॉर्म फॉर्मेट एक ही है जी, किस तरह आपने अप्लाई करना है। ठीक है जी, अब बात उसके बाद नेक्स्ट पोस्ट की बात कर लेते हैं, तो नेक्स्ट पोस्ट के लिए 10 एडवर्टाइज नंबर 10 है जी, LVD की पोस्ट है, LVD की पोस्ट है,
इसके बारे में अपन डिस्कस कर लेते हैं ताकि आपको थोड़ा सा क्लियर हो जाए। एलवीडी की पोस्ट में आपको 10 नंबर एडवर्टाइज देखने को मिलेगा 4 जून से। इसके भी फॉर्म फिलअप होने स्टार्ट हैं जी 25 जून, इसकी लास्ट डेट है। एडवर्टाइज में एडवर्टाइज पर जैसे ही क्लिक करोगे तो ये सारे का सारा एडवर्टाइज आपके सामने ओपन हो जाएगा। इसमें मैक्सिमम एज आपकी 30 साल मांगी हुई है, ठीक है जी। और लाइट व्हीकल ड्राइविंग का ये पोस्ट है, ठीक है। और इसमें 18,500 से पे स्केल आपका स्टार्ट है जी, और 3% एनुअली हर साल बढ़ेगा। और LVDC की पोस्ट है जी, इसमें 4 पोस्ट है, 3 जनरल की हैं और 1 OBC की है। लाइट व्हीकल ड्राइवर की पोस्ट है। रिलैक्सेशन एज पर तक गवर्नमेंट रूल रहने वाला है, और 50-50% आपका सिलेक्शन मोड होगा, ठीक है जी। जैसे ही 50% आपके मार्क्स रिटन एग्जाम पर, 50% मार्क्स आपके कह लें ड्राइविंग टेस्ट पर डिपेंड रहेंगे। और इसमें भी 1/4 आपको कैंडिडेट बुलाए जाएंगे, एक पोस्ट के लिए 4 कैंडिडेट होंगे। और इसमें भी नेगेटिव मार्किंग होगी और OMR शीट बेस्ड एग्जाम होगा। बाई लिंग्वेज में आपका एग्जाम होने वाला है, यानी कि इंग्लिश हिंदी दोनों में, ठीक है। ड्राइविंग सर्टिफिकेट भी आपके पास लाइसेंस होना जरूरी है, उसके बिना आप अप्लाई नहीं कर पाओगे, ठीक है जी। इन चीज़ों का ध्यान जरूर रखिएगा। ये बाकी सारी लाइबिलिटी कंडीशंस हैं, लाइबिलिटी कंडीशंस जरूर नोट डाउन कीजिएगा। एडवर्टाइज पूरी की पूरी डिटेल जरूर चेक कीजिएगा। फीस इन्होंने ऑफलाइन मोड ऑनलाइन मोड में दोनों में बता रखी है। मैं यही रिकमेंड करूँगा भी आप ऑनलाइन मोड में फीस कीजिए, बेटर रहेगी। और 4 जून से लेकर 25 जून के बीच में आप अप्लाई कर लीजिएगा, अगर आपके पास लाइट मोटर व्हीकल या हैवी मोटर व्हीकल लाइसेंस है तो। इसी तरह अप्लाई करने का LVD का ये आपको पोजीशन मिल जाएगी। सेम है जी इसका भी, यहाँ पर आपने कैटेगरी नंबर 10 से सेलेक्ट करनी है, और उसके बाद यहाँ पर फॉर्म नंबर आपको लाइट व्हीकल ड्राइवर की पोस्ट मिल जाएगी, और उसके बाद आपको नीचे डाउन में फॉर्म ओपन होता दिख जाएगा, ठीक है। यहाँ पर सारी डिटेल्स अपनी मेंशन करनी है, ठीक है जी। और उसके बाद नेक्स्ट बात कर लेते हैं, लास्ट पोस्ट की बात कर लेते हैं, जो कि है जी ट्रेडमैन बी की। ट्रेडमैन बी की पोस्ट है, ये एडवर्टाइज नंबर 11/2022 है। ये भी 4 जून से शुरू होकर 25 जून इसकी लास्ट डेट है। डिटेल्ड नोटिफिकेशन की बात कर लेते हैं, जिसमें सारा आपका आ जाएगा सिलेक्शन तक। ट्रेडमैन बी पोस्ट की पोस्टें हैं जी, अलग अलग पोस्टें हैं। इलेक्ट्रिशियन मैकेनिकल की 11 पोस्टें हैं जी, ठीक है जी। और फिटर की 12 पोस्टें हैं, इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रिशियन की 3 पोस्टें हैं, मशीनिस्ट की 10 पोस्टें हैं, टर्नर की 5-4 पोस्टें हैं, ठीक है जी। और उसके बाद नेक्स्ट बात करें मैक्सिमम एज लिमिट की, तो आपकी जनरल हो तो 28 साल मैक्सिमम एज लिमिट मांगी हुई है, और मैक्सिमम 40 साल एज पर द गवर्नमेंट रूल रिलैक्सेशन आपकी आपके कह लें रिजर्वेशन वाइज रहने वाली है। 20,480 से आपका पे स्केल स्टार्टअप है जी, हर एक साल 3% आपका पे स्केल इंक्रीज होगा। और ट्रेडमैन की बी की पोस्टों के लिए 40 पोस्टें आपको मिल जाएंगी टोटल में, जिसमें से 20 जनरल की हैं, 3 इकोनॉमिक वीकर सेशन की, 13 OBC की, 3 SC की और 1 ST की पोस्ट मिल जाएगी। रिलैक्सेशन एज पर द गवर्नमेंट रूल्स रहने वाली है। इसमें भी आपका रिटर्न एग्जाम और ट्रेड टेस्ट होगा, इसमें भी 50-50% और 60% ओवरऑल आपका क्वालिफाइंग नेचर रहने वाला है। और इसमें भी आपकी नेगेटिव मार्किंग रहने वाली है जी, ठीक है जी। नेगेटिव मार्किंग और इंग्लिश हिंदी बोथ लैंग्वेज इसमें आपका एग्जाम रहने वाला है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट बात कर लेते हैं, आपका ट्रेड के रिलेटेड आपकी पूरी ITI ये सारे सर्टिफिकेट आपके होने कंपलसरी है, इसके बिना आप अप्लाई नहीं कर पाओगे। इसमें भी 4 जून से शुरू होकर 25 जून इसकी लास्ट डेट है। ये फॉर्मेट आपको कैंडिडेट्स का पूरा प्रॉपर वे में इन्होंने बता दिया है। और इसमें आपकी जो फीस है जी 500 रुपीज़ फीस रहने वाली है। कितनी जी? 500 रुपीज़ फीस रहने वाली है। और 4 जून से शुरू होकर 25 जून इसकी लास्ट डेट है। अब बात कर लेते हैं इसके बाद रिलैक्सेशन, ट्रेडमैन बी की पोस्ट की डिटेल, ये सारी आपको पॉइंट अलग अलग प्रोवाइड करवा दिए हैं। कैसे अप्लाई करना है, SBI से कैसे कलेक्ट करना है, पेमेंट का प्रोसेस क्या है, कैसे पेमेंट करनी है, रीप्रिंट फॉर्म यहाँ से करना है, और यहाँ पर आपने सिर्फ अप्लाई के लिए यहाँ पर क्लिक करना है। और इसी तरह सेम आपने यहाँ पर अपना एडवर्टाइज नंबर 11 सेलेक्ट कीजिए, और यहाँ पर आपको ट्रेडमैन बी की
एनसीवीटी और एससीवीटी की पोस्ट देखने को मिल जाएगी। ठीक है जी, इसी तरह आप सारी की सारी फॉर्म, सारे का सारा फॉर्म आप फिलअप कर सकते हो। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट बात कर लेते हैं, तो आपने कैसे अप्लाई करना वो बता दिया है, कैसे नोटिफिकेशन है, कैसे आपका नोटिफिकेशन है, ठीक है जी, और कैसे अपना अप्लाई करना है वो आपको डिटेल बता देते हैं। ये देख सकते हो, इसमें आपको पूरी पूरी प्रॉपर वे में इंफॉर्मेशन दे दी है। 18,500 से लेकर 20,400 तक आपका पे स्केल रहने वाला है। यहाँ पर आपको मेंशन भी कर दिया गया है, 10th है प्लस ITI है, 10th के साथ अलॉट लाइट मोटर व्हीकल, हैवी मोटर व्हीकल का और ग्रेजुएशन बेस पर पोस्टें, अलग अलग 55 पोस्टें टोटल में देखने को आपको मिली हैं। ठीक है जी, ज़्यादा अप्लाई अगर आप अप्लाई करना चाहते हो, उसके बाद स्किल ट्रेड नॉलेज मांगी हुई है, अलग अलग पोस्टिंग है, स्टार्टिंग डेट बता दी है, फी स्ट्रक्चर और 30 साल मैक्सिमम एज आपको बता दी गई है, अलग अलग आपको पोस्टें देखने को मिल गई हैं। ठीक है जी, ये सारी की सारी देख सकते हो। और उसके बाद एज लिमिट की बात कर लेते हैं, तो 18 से 30 साल ये सारे का बता दिया है। अगर आप फॉर्म हमारे से फिलअप करवाना चाहते हो तो examjobalert.com प्रेस करके और उस पर व्हाट्सएप करना है। व्हाट्सएप करके आपने सिंपली कुछ नहीं करना है, आपने व्हाट्सएप करने के बाद ये जो नेम है ये नेम आपने कॉपी करना है और हमें पेस्ट करना है कि सर इसकी हमने पोस्ट फिलअप करनी है, तो आपको प्रॉपर वे में गाइडेंस किया जाएगा। फर्स्ट ऑफ ऑल आपके डॉक्यूमेंट मंगाए जाएंगे, उसके बाद आपको पेमेंट का लिंक देकर पेमेंट आपसे मंगा ली जाएगी। पेमेंट आते ही आपको सारे का सारा फॉर्म फिलअप करके सॉफ्ट कॉपी हैंड ओवर कर दी जाएगी। ये सारे लिंक आपके लिए एक्टिव कर दिए गए हैं। ज़्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ इसी तरह बने रहिएगा। उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपके लिए बहुत अच्छी रही है। इसी तरह की और वीडियो पाने के लिए अगर चैनल पर नहीं हो तो कृपया करके सब्सक्राइब जरूर कीजिए, बेल आइकन प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन जरूर ऑन कर लीजिए। अगर आप इस चैनल पर पहले से जुड़े हुए हो तो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो शेयर जरूर कीजिए, वेब पोर्टल शेयर जरूर कीजिए और हमारा सहयोग जरूर कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ मंगलमय हो ऐसी हम कामना करते हैं। थैंक यू वेरी मच।